नमस्कार दोस्तों, रेखा दास ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो में आज मैं आप लोगों को मशरूम क्लीन एंड कटिंग कैसे करते हैं आसान तरीके से वही बताऊंगी। तो वीडियो देखे अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मशरूम ले लिया है, और आप देख सकते हैं मशरूम में काफ़ी ज़्यादा गंदा है। तो पहले हम इसे 2-3 बार साफ पानी से वॉश कर लेंगे। तो एक बाउल में हम पानी ले लेंगे, और एक बारी में मशरूम नहीं डालेंगे। पहले हम थोड़ा सा इस तरीके से डाल के इसे क्लीन करेंगे, और दूसरा एक बाउल ले लेंगे। तो इसी तरीके से हम रगड़ के पहले ये जो ऊपर का मिट्टी धूल है इसे क्लीन करेंगे, और दूसरे बाउल में भी हम पानी ले लेंगे। तो पहले आप जब भी मशरूम को बनाएं उससे पहले इस तरीके से वॉश कर लीजिएगा। देखिए कितना गंदा है, साइड में रख देंगे। एक बार और हम मशरूम को अच्छे से वॉश कर लेंगे, और इसे अब हम एक प्लेट में ले लेंगे। देखिए ये दूसरा पानी भी बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो मशरूम को और एक बार हम साफ पानी से धो लेंगे। थोड़ा बहुत भी अगर और गंदा रह जाए तो वो अच्छे से वॉश हो जाएगा। अब हम मशरूम को काटेंगे। तो इसके ऊपर का जो स्किन है इसे हमें उतारना है। आप देख सकते हैं कितना गंदा है, और ऐसे में सब्जी बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हम इस तरीके से चाकू की मदद से इसे पील करेंगे। देखिए ऊपर का स्किन को आप हल्का चाकू की मदद से इस तरीके से पकड़ेंगे तो ये अपने आप ही निकल आते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। मैं जब भी कभी मशरूम बनाती हूँ तो इसी तरीके से मैं मशरूम को क्लीन करती हूँ। नीचे का जो पार्ट है थोड़ा सा इस तरीके से निकाल देंगे। देखिए चाकू की मदद से बिल्कुल हम इस तरीके से इसे इसके जो छिलके हैं उतारेंगे। देखिए तो इसी तरीके से हमें सभी मशरूम को पहले छिलका इसका उतार लेना है, उसके बाद मैं कटिंग दिखाऊंगी कि कैसे कटिंग करना है आपको। देखिए सभी मशरूम के मैंने स्किन को निकाल लिया है, साइड में रख देंगे। और मशरूम के कटिंग आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा सब्जी बना रहे हो या मशरूम फ्राई कर रहे हो। तो मशरूम को आप इस तरीके से काट सकते हैं, जैसे बीज में से एक कट लगा लिया और इसे चार टुकड़ा करेंगे। देखिए नहीं तो आप डायरेक्ट इसे इस तरीके से भी काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप मशरूम की कटिंग वैसे रख सकते हैं। देखिए
इस तरीके से आप बीज में से इसका जो डंठल है इसे भी निकाल के आप इसे, जैसे हमने पहले चार टुकड़ा किया था, तो इसका हम थोड़ा पतले स्लाइस करेंगे। देखिए, जो नॉर्मली मैं मशरूम बनाती हूँ तो ऐसे ही मैं काटती हूँ, तो इससे क्या होता है, ज़्यादा मोटे भी नहीं होते और ज़्यादा पतले भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम सभी मशरूम काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।